वेलकम टू बार्निक, दिस रजत सर, फैकल्टी ऑफ जीएस। देखो आज डिस्कशन करिवा आ गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक, एग्जाम रे फ्रीक्वेंटली आसतवा क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आम जानिचु लाइट गोटे वेव एवं लाइट गोटे ट्रांसवर्स वेव एवं लाइट इज ऑल्सो ए एनर्जी। तो लाइट दुईटा प्रॉपर्टीज थाए जहाँ को आम समस्त जानिचु, रिफ्लेक्शन करे लाइट गोटे मीडियम रे, लाइट सेम मीडियम रे रिफ्लेक्ट करी पारे एवं लाइट दुईटा मीडियम देकरी पास भी करी पारे एवं पॉलिश सरफेस रे लाइट रिफ्लेक्ट करी पारे एवं ट्रांसपेरेंट सरफेस रे लाइट रिफ्रैक्ट करी पारे। ओके, तो आज हमें लाइट रे गोटे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़िबा, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ता माने रिफ्रैक्शन रो माने कौन, रिफ्रैक्शन रो माने ला गोटे ट्रांसपेरेंट सरफेस रे बा ट्रांसपेरेंट मीडियम रे लाइट जदि गोटे मीडियम रु आउ गोटे मीडियम को पास कला बेले लाइट रो डायरेक्शन रो चेंजेस हुए, ताहले ए जो फेनोमेनन टा कहा जाए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तार माने व्हेन लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड इट पार्ट पाथ बिकम डेविएट एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो एबे क्वेश्चन आउछि जो रिफ्रैक्शन हवा पई कोन करा जाए ना, मीडियम ऊपर भी डिपेंड करे आउ लाइट ऊपर भी डिपेंड करे। देखो आमे जानिचु दुईटा मीडियम थाए, जेतेबेले लाइट रो पाथ रो डेविएट हुए हेतेबेले लाइट हुए तो रेयर रु डेंसर मीडियम को जाए, नहले डेंसर रु रेयर मीडियम को जाए। मन कर मु कहिबी लाइट रेयर रु डेंसर मीडियम आउछ, रेयर मीडियम कोन, जदि गोटे लाइट जो मीडियम रे डेंसिटी कम थिबो ताको रेयर मीडियम। मन कर मु कहिबी एयर आउ ग्लास कथा कहिबी, तो एयर आउ ग्लास भितरे एयर इज ए रेयर मीडियम एंड ग्लास इज ए डेंसर मीडियम। मन कर मु कहिबी ग्लास रु एयर आसला त माने डेंसर रु रेयर को आसला। तो लाइट जते बेले रेयर रु डेंसर मीडियम को आसे सेते बेले लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल आसे एवं जेते बेले डेंसर रु रेयर मीडियम को आसे लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल आसे। यार माने कोना कोटी लाइट रो पाथ रेयर रु डेंसर आसो किंबा डेंसर रु रेयर आसो तर पाथ रो चेंजेस होउछि एवं ए जो फेनोमेनन टा को हाजिबो कोन ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो ये पार्ट को मन रखथो, जेते बेले लाइट रेयर रु डेंसर आसे टुवर्ड्स द नॉर्मल, जेते बेले लाइट डेंसर रु रेयर आसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये जो फेनोमेनन टा को निहत बर समस्त मन रखथो बुझेला। एबे जीवा नेक्स्ट, ये रिफ्रैक्शन लो दिटा रूल अछि जहाँ को हम कहू जो रिफ्रैक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो जीवा रिफ्लेक्शन लो भी दिटा रूल लॉ अछि एवं रिफ्रैक्शन लो दिटा लॉ अछि। तले आज हम डिस्कशन करबा रिफ्रैक्शन लो को दिटा लॉ अछि। हम जानिचु इंसिडेंट रे मन कर मु कहबे लाइट एबे पास करछि वन मीडियम रो आ गुटे मीडियम आ को कह जाय इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाय इन द सेम प्लेन, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ कोन आसीबो ना, सेकंड लॉ आसपरिबो द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा ये होची नॉर्मल, ये हला होची एंगल ऑफ इंसिडेंट बा आई कह जाय, आ कह जाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बा आर कह जाय। सेकंड लॉ को कह जाय स्नेल्स लॉ, बिकॉज़ स्नेल्स आर बा कोई तो डिस्कवर करथिले कोई परबो द साइन एंगल ऑफ आई बाय साइन एंगल ऑफ आर इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गिवन कलर एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यार माने हला या कि मन कर मु कहिबी कि गोटे रेड कलर लाइट अछि, मन कर एयर रु वाटर पाक को आछि रेड कलर लाइट, तो तार तो पाथ डेविएट ही हबो। तो जदि रेड कलर लाइट एयर आ वाटर मीडियम रे जति की डेविएट हबो कोन वायोलेट कलर सेति की डेविएट हबो कि हबो नै, किंतु जदियो मीडियम सेम थिला किंतु डेविएट तो अलग ही हबो। यार माने कोटि ना कोटि लाइट रो कलर ऊपर भी जेमते मु लिखि छी फॉर द गिवन कलर ऑफ द लाइट, लाइट रो कलर ऊपर भी कोटि ना कोटि डिपेंड करू छी एंगल बा साइन एंगल ऑफ आई बाय साइन एंगल ऑफ आर से कथा कहू छी। एवं मन कर मु कहबी ये तो हला मन कर रेड कलर, ये हला वायलेट कलर, ये मन कर अलग हला। मन कर मु कहबी ये हला एयर वाटर वायलेट कलर अछि
मनकर मु कहबी ये हला वाटर आउ ग्लास ये को कलर अछि मनकर मु कहबी सही वायलेट कलर बट मते को एयर आउ वाटर रे वायलेट कलर रो साइन आइ बाय साइन आर जति कि हबो कोन वाटर ग्लास मीडियम रे साइन आइ बाय साइन आर सेति हबो कि हबो ना यार माने मीडियम बेले भी साइन आइ बाय साइन आर अलगा होची फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम एवं कलर बेले भी फॉर ए गिवन कलर पाई भी साइन आइ बाय साइन अलग होची यार माने लेमेन लैंग्वेज में कोन कहबा चाहूची ना लेमेन लैंग्वेज ए कहूची कि साइन आइ बाय साइन आर बा साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट आउ साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लो रेशियो गिवन कलर पाई बा लाइट रो गिवन कलर पाई आउ लाइट रो गिवन पेयर ऑफ मीडिया पाई संपूर्ण भाबरे कांस्टेंट थाए एवं जहाँ को मैं कहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एवं ये लॉ को कहूँ स्नेल्स लॉ बोल कहा जाए ठीक अच्छे बे तो आपको कहा जाए स्नेल्स जो लिखियार थे तो लिख पड़े किसी प्रॉब्लम नहीं तो कई बार आपको स्नेल्स लॉ बोल कहा जाए क्लियर एवं ये जो कॉन्स्टेंट को कहा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एवं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को केमिति डिनोट करा जाए हुए तो एन भाव में डिनोट करा जाए पारिबो नहले न्यू भाव में डिनोट करा जाए पारिबो बुझेला तो एबे जीवा नेक्स्ट सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मन कोन आसला ये कांस्टेंट होची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन आसला जीवा नेक्स्ट पको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन देखो छु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन बहुत सिंपल वे बुझौ छी मुं मन कर कहिबे ये गुटे मीडियम येला एयर येला वाटर मन कर एठो लाइट रे आसुची ये डेविएट होची मन कर ये हला रेड कलर लाइट अच्छा मते को एयर वाटर रे जति कि डेविएट हे पारिबो लाइट बा वाटर रो गुटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिबो काहे कि थिबो ना वाटर रेड कलर लाइट जते बेले एयर वाटर को आसतला केते मात्रा रे डेविएट करतला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मेजर द बेंडिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम जते बेले लाइट गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को आसे लाइट केते की बेंड होचे जो मेजरमेंट को कहा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बुझेला ता माने मु कहबी ये रेड कलर लाइट को एयर जते बेले वाटर को आस्तुला केते मात्रा रे बेंड कला हाउ मच इट बेंड इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यार मन तमे एमते कहि परबो ने कि सर वाटर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहा कोन एयर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या की ना हबो ने देखो जदि वाटर जोटर डेंसर जे जते अधिक डेंसर हेतिबो तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेते अधिक थिबो लाइक गुटे मु एग्जांपल देबे डायमंड डायमंड जेतु बहुत डेंसर मीडियम तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 एयर हला लेस डेंसर मीडियम जार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.1.003 सर आमे को काडू जे केमति डायमंड रो केते एयर रो केते आको मेजर केमति करबो आको मेजर के माने बडिया फार्मूला आछि एन इज इक्वल टू सी बाय वी मु कहितली एन को लेखा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन ना साइन आई बाय साइन आर जाको म स्नेल चलो बोले समझ जानछु तो ये एन माने कोन एन माने हला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम मन कर मते काढिवार अछि कि वाटर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कते अछि मन के काढिवार अछि तो मु केमति काढिबे या पे फार्मूला ला सी बाय वी सी टा कोन ना सी हला मु कह परबी स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम हम जानिछु लाइट रो स्पीड सबटु हाईएस्ट कोड थाए वैक्यूम रो थाए जहार वैल्यू हे परबो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड हम जानिछु समय सबटु हाईएस्ट थाए तो मु कह परबी ये वाटर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कते ना वाटर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिबो सी हला जो कोन ना कह परबो स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम बाय जेहेतु मते वाटर रो काढिवार अछि त माने से मीडियम रो कते वाटर रे लाइट केति के स्पीड रो जाई पारे मन कर एक्स स्पीड रो जाई पारे ओके जहाको मु वी बोले डिनोट करू छी तो कह परबो याकु कैलकुलेट करले मु काढि परबी ना वाटर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कते बुझेला तुमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं बर्तमान मु तुमको गोटे दे देबि कौन बॉक्स दे देबि जो बॉक्स रे मेनली एग्जाम रे आस्तवा समस्त सबा सब मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अछि ओके देखो सर बॉक्स कौन दे छि देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन कहि परबो हो छि एयर रो सबटु लोएस्ट थाए 1.0003 आइस रो 1.31 वाटर रो 1.33 अल्कोहल रो 1.36 एवं ये तो सब मन रखियो ही बट आउट इंपोर्टेंट डायमंड रो 2.42 सब तो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था सब तो लिस्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना एयर था सब तो हाईएस्ट का था डायमंड बिकॉज डायमंड हैला सब तो हाई डेंसर मीडियम एवं एयर हैला सब तो लिस्ट डेंसर मीडियम लिस्ट डेंसर मीडियम रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था जेते डेंसिटी बढ़ी बढ़ी के जीव ता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ी बढ़ी जीव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने कोन केते मात्रा लाइट डेविएट करूची फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन
କ୍ଲିଅର ଅଛି? ତ ଆକୁ ତମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ, ଇଏ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଲାଇଟ୍ର, ଏ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ତମେ କହିପାରିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିବା ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଦେଖୁଛ। ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ର ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ତମେ କେବେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ନେଇକରି ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପେନ୍କୁ ଏମ୍ବେଣ୍ଡେଣ୍ଡ କରିବ ତ ଦେଖିବ ସେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ବେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଥିବ, ତୁ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଲିନିୟର ଅବଜେକ୍ଟ ବେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। କାହିଁକି ନା ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାଟର ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ କ'ଣ କହିପାରିବ ଏୟାର। ତ ରେୟାର୍ରୁ ଡେନ୍ସର ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାର ପାଥର ଡେଭିଟ୍ ହେଇପାରୁଛି। ତମେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ର ହାତ ଏମିତି ପରିକି ଦେଖିବ ତମେ ଲାଗିବ ତମ ହାତ ହଉଛି ବହୁତ ଛୋଟ ଏବଂ ମୋଟା ଥିବ, ବିକଜ୍ କାହିଁକି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ କରୁଛି ବା ଲାଇଟ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଡିୟମ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ହେଇପାରିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସନ୍ରାଇଜ୍ ଆଉ ଡିଲେ ସନ୍ସେଟ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ ବି ହେଇପାରିବ। ଷ୍ଟାର୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ ପାଖରୁ ଆସୁଥିବା ଲାଇଟ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିପାରୁନୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁନୁ? ବିକଜ୍ ଆମର ଆଟମସ୍ଫିୟର ଇଜ୍ ଏ ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମ୍। ତ ଲାଇଟ୍ ତାର ଷ୍ଟାର୍ ପାଖରୁ, ଏକ ତ ଷ୍ଟାର୍ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ କହିପାରିବ ଯେ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଷ୍ଟାର୍ର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଆମକୁ ଜଣାନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ କହିପାରିବ ନା ଇଏ ବି ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ବା ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ର ଗୋଟେ ଫେନୋମେନନ୍ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଓଭାଲ୍ ସେପ୍ ବି ଦେଖାଯାଏ ଆମକୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ସନ୍ ଆଉ ଇଭିନିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଭିନିଂ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଇପାରିବ। ମିରେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇପାରିବ, ମରିଚିକା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେନୋମେନନ୍ ଅଛି ଲାଇଟ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ପାଖକୁ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପାଖକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ରେୟାର୍ରୁ ଡେନ୍ସର୍ ମିଡିୟମ୍ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ନର୍ମାଲ୍ ହୁଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଡେନ୍ସର୍ରୁ ରେୟାର୍ ମିଡିୟମ୍ ଆସେ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନର୍ମାଲ୍ ହୁଏ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲି, ସେ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କହିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଇଟିକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ମନେକର ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ଯିବା କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ କ'ଣ, ଏବଂ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆସିବ ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ବୁଝିଲା? ଦେଖ, ଏବେ ମନେକର ମୁଁ କହିବି ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଏୟାର୍ ମିଡିୟମ୍ ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ମିଡିୟମ୍। ଡେନ୍ସର୍ ମିଡିୟମ୍ କେଉଁଟା? ସାର୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଡେନ୍ସର୍ ମିଡିୟମ୍। ରେୟାର୍ ମିଡିୟମ୍ କେଉଁଟା? ନା ଏୟାର୍ଟା ରେୟାର୍ ମିଡିୟମ୍। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଲାଇଟ୍ ଡେନ୍ସର୍ ମିଡିୟମ୍ରୁ ରେୟାର୍ ମିଡିୟମ୍ ନେବି ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନର୍ମାଲ୍, ନର୍ମାଲ୍ ଠୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇକି ଯିବ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କୁହ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇକା ନେବି ସେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେବ ନା ଇଏ ବି ତ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯିବ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ମୁଁ ନେବି ନା, ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ନେବି ଯେତିକି ବେଳେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ, ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍। କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍କୁ କୁହାଯାଏନି, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ କୁହାଯାଏ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥାଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ବି କୁହ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଏଙ୍ଗେଲ୍ କରିକି ନେବି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପକେଇବି, ତ ମୋତେ କୁହ ଏବେ ସେଇ ମିଡିୟମ୍ରେ ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କରିଯିବ ନା ନାହିଁ? ବିକଜ୍ ଇଏ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲିମିଟ୍ ଥିଲା ନା, ଆ ପରେ ତ ମିଡିୟମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେନୋମେନ ଦେଖ, ଇଏ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଏଙ୍ଗେଲ୍ କରିବି, ଏବେ କ'ଣ ହବ ନା ଏବେ ସେଇ ମିଡିୟମ୍ରେ ଇଏ ଜୀବନ। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫେନୋମେନଟା କୁହାଯିବ ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ମାନେ ଗୋଟେ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଂ ସର୍ଫେସ୍ରେ ବି ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଠୁ ଅଧିକ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ସେଇଠି ହେଇଯାଉଛି ବା ସେଇ ମିଡିୟମ୍ରେ ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେନୋମେନଟା କୁହାଯାଏ ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ କ'ଣ ବୁଝିହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍। ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ଟୁ ବଢ଼େଇ ଦେବି ସେଇ ମିଡିୟମ୍ରେ ଇଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଲା? ତ ଇଏ ହେଇପାରିବ ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ଦେଖ, ଏହାର ଡେଫିନେସନ୍ ମୁଁ ସେମିତି ଲେଖିଦେଇଛି, ତ ତମେ ଆକୁ ଡେଫିନେସନ୍କୁ ପଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ବି ନେଇପାରିବ। ଓକେ, ତ ଆର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଆଟ୍ ସ୍ପାର୍କିଲିଂ ଅଫ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ। ଦେଖ କ'ଣ ହୁଏ କି, ଛୁଆ ଡାଇମଣ୍ଡର ଯଦି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କାଟି ଗୋଟେ ରଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଏମିତି ଡାଇମଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଆସେ ବାରମ୍ବାର ଲାଇଟ୍ କ'ଣ କରେ ନା ତାର ଭିତରେ ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଦେଖ, ଏବେ ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ମନେକର ମୁଁ କହିବି ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍। ଲାଇଟ୍ ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବ ଡାଇମଣ୍ଡ ଭିତରେ
সেতে অধিক টোটাল ইন্টারনাল ডিফ্লেকশন হব এবং টোটাল ইন্টারনাল ডিফ্লেকশন যেতে অধিক হব তো ডায়মন্ডর স্পার্কলিং পাওয়ার বি সেতিক অধিক বড়ি মনকৰ মুক বি শাইনিং অফ এয়ার বাবল এয়ার বাবল কোন না মনকৰ ইয়ে হেলা উঠে এয়ার বাবল এটি লাইট আসি পড়ছে তো এবে কোন বনা যে তুই ডেনসার মিডিয়াম লাইট সডন বাহার যাই পারিব না তো যেতিক সময় সে এয়ার বাবল ভিতর লাইটটা রহিব তাকু কোহা যাব টোটাল ইন্টারনাল ডিফ্লেকশন সে শাইনিং করিবা স্টার্ট করিব আমি কলর দেখিয়া স্টার্ট হব তো ই যে ফেনোমেনন কোহা যাব টোটাল ইন্টারনাল ডিফ্লেকশন ओके तो ये गोटे थी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जहाँ को आम कहीपर एग्जाम रे बहुत अधिक आसुच्छे तो तुम्हें या कौन कर स्क्रीनशॉट नहीं पार क्या पढ़ी पार थैंक यू वेरी मच बहुत सुंदर टॉपिकटा को शेयर कर समस्त को लाइक करने कह सेयर करने कह तो समस्त पाखे पहुँचा को ट्राए कर तो थैंक यू वेरी मच थैंक यू।